खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 2 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से और 98 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। नागौर निवासी मरीज की SMS अस्पताल में मौत हुई है, जबकि कोटा के मरीज ने MBS अस्पताल में दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक 25 मौतें हो चुकी हैं। पॉजिटिव के अगर आंकड़ों को देखें तो 1,576 ये आंकड़े हैं। अकेले जयपुर की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा 50 पॉजिटिव केस जयपुर में सामने आए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, दिन भर को अगर हम देखें तो ये आंकड़े क्या इशारा करते हैं, स्पेशली अगर जयपुर की बात करें? देखिए सुषमा, जिस तरह से बात करें हम दोनों आंकड़ों की, राजस्थान में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 2 लोगों की मौत हुई। एक नागौर निवासी जो व्यक्ति है उनकी जयपुर के SMS अस्पताल में मौत हुई है, जबकि कोटा के एक मरीज की MBS अस्पताल में मौत हुई। हालांकि दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, दोनों ही पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे। उसके साथ ही अगर हम पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो जयपुर में बहुत जो आंकड़ा है सर्वाधिक 50 पॉजिटिव केस जो है अकेले जयपुर के अंदर सामने आया है। उसके अलावा अजमेर में 1, बांसवाड़ा में 1, झुंझुनू में 2, जोधपुर में 32, टोंक में 1, नागौर में 3, कोटा में 7 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए। ईरान से आया हुआ एक भारतीय नागरिक भी पॉजिटिव मिला है। अब तक पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ जो है 1576 पहुंच गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। अगर हम करें जयपुर शहर की कि आज कितने केस जो आए, उनमें जो इलाके बात करें जयपुर की, तो आदर्श नगर इलाका जो है वहां पर केस सामने आया, घाट के जो है वहां सामने आया, नारी का नाका सामने आया और रामगंज बाजार जो है वो सामने आया। ये वो इलाके हैं जहां से जयपुर के अंदर जो केस है 50 केस है वो आइडेंटिफाई किए गए। जी विकास, और कोई ऐसा प्लेस जो यहाँ पर हैरान करने वाला और इन पूरे आंकड़ों को देखे जहां जहां पर ये केस सामने आए हैं? देखिए अगर बात करें अभी तक जो केस सामने आए हैं वो सारे पुराने जो इलाके हैं उन्हीं में सामने आए हैं। आदर्श नगर इलाके में पहले से केस सामने आ चुका है, उसके MD रोड पे केस सामने आ चुका। हालांकि नए केस जो आ रहे थे पिछले 2 दिनों के अंदर मानसून में केस सामने आए, लेकिन अब वहाँ कोई नया केस जो है वो सामने नहीं आया। और विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिम्टम्स नहीं है कुछ लोगों में। आज ये जो पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो क्या इसके बारे में ब्रीफ किया गया कि ये कैसे केसेस हैं? देखिए सुषमा, सिम्टम्स ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है विकास के लिए यही सामने आ रही है, क्योंकि अब रैपिड टेस्ट भी शुरू किया गया है, लेकिन रैपिड टेस्ट भी जो विश्वसनीयता है उसमें भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सिम्टम्स है वो मरीजों में आ ही नहीं रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिसके अंदर मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और पॉजिटिव होने के बाद वापस नेगेटिव हो गया, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है और इसीलिए कह सकते हैं कि बीमारी जो है भयावहता इसलिए है जयपुर के लिए। तो देखिए कि कैसे यहाँ पर अगर हम जयपुर की बात करते तो आज 50 पॉजिटिव केसेस सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास।